नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। साइंस का आप सभी का जो टेस्ट चल रहा है उसका आज होगा टेस्ट नंबर आपका 7। इसके पहले टोटल 6 टेस्ट आपका साइंस में करवा दिया गया है। उसके पहले आपका DLED समान अध्ययन का आपको 87 टेस्ट करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको DLED आपको पूरा क्लास करवाया गया है, है ना। DLED का 8 यूनिट आपको कंप्लीट करवाया गया है। ज्योग्राफी का आपका 5 क्लास करवाया गया था। भारत का भूगोल से संबंधित और भी करेंट अफेयर का भी और भी बहुत सारा क्लास करवाया गया था। तो इतने टोटल क्लास करवाए गए हैं अभी तक टोटल प्रधान शिक्षक का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको सभी PDF मिल जाएगा, पीछे जितना क्लास हो गया है। आज हम लोग देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है साइंस से संबंधित। BPSC के द्वारा ये सवाल जो है बार बार आपको पूछा जाता है। आज देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो क्लास होता है दोस्तों, ये डेली रात में 9 बजे से होता है। और ये नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपको PDF लेने के लिए 351 चार्ज है। तो जो लोग को अगर पीछे वाला सभी PDF चाहिए, DLED समान अध्ययन करेंट अफेयर, है ना, आपका जो 8 यूनिट क्लास हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, है ना, सभी साइंस का आपको मिल जाएगा। तो इसमें 351 चार्ज है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा और इसी नंबर पर आपको स्क्रीन शॉट भी भेज देना है, जहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा प्रधान शिक्षक ग्रुप में। और सभी नोट्स PDF जो भी है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा करियर परिवार टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको क्लास मिलते रहता है, वहाँ भी आपको टेस्ट चलते रहता है। चलिए देखते हैं आज का सवाल हम लोग, और वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल क्या है, सर्वाधिक भारी धातु कौन होता है? बताइए सर्वाधिक भारी धातु कौन सा होता है। आप लोग अपना कॉमेंट करते चलिएगा, ठीक है, कमेंट करते चलिएगा ये, क्योंकि लिखने से बार बार आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक भारी धातु जो है वो है ऑस्मियम, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्मियम क्या है? सर्वाधिक भारी धातु। और सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है? भारी हो गया आपका ऑस्मियम, और सर्वाधिक हल्की होता है आपका लिथियम, ठीक है, याद रखिएगा लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट जो बनाया जाता है इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग आ गए हैं अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट सवाल है कि सफ़ेद स्वर्ण किसको कहते हैं, यानी कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं दोस्तों? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। और ये सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सफ़ेद सोना। द्रव्य स्वर्ण किसे कहते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। द्रव्य स्वर्ण सफ़ेद स्वर्ण प्लैटिनम, जबकि द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को आपका, ठीक है, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लैटिनम को, है ना, प्लैटिनम याद रखिएगा प्लैटिनम। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है आपका फ्लोरीन। जी हाँ, क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि चांदी की चम्मच को काला कर देता है, जी हाँ, चांदी की चम्मच को काला कौन कर देता है? तो वो है आपका ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये चांदी की चम्मच को कैसा कर देगा? काला कर देगा। और अगर आप अंडा को अगर चांदी की चम्मच से खाते हैं तो भी आपका काला हो जाएगा और उससे आपकी तबीयत भी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है, सोना का आभूषण जब उसमें बनाया जाता है, है ना, तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा तांबा। ये भी सवाल कई बार आपको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्याग की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण और ग्रहण की प्रक्रिया को अपकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण दोस्तों किससे किया जाता है? तो पिच ब्लेड से करते हैं, ठीक है, क्या से? पिच ब्लेड से किया जाता है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण, है ना। और आपको इंडिया में यूरेनियम का खाद्यान्न कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस मिश्रण होता है दोस्तों, बताइए
प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस नाइट्रोजन यानी कि N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, तो मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाप अंगार गैस या जल गैस किसका मिश्रण होता है। जी हाँ, भाप अंगार गैस तथा जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन यानी कि H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है। सबसे जहरीली गैस यही है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, भाप अंगार गैस और जल गैस का ये मिश्रण है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के आविष्कारक कौन थे। आविष्कारक से आपको एक सवाल फिक्स है कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आविष्कारक आप याद रखना है, है ना। हाइड्रोजन के आविष्कारक जो है वो है आपका कैवेंडिश, ऑक्सीजन के हैं आपका प्रिस्टले और नाइट्रोजन के हैं आपका रदरफोर्ड। तो ये तीनों आप यहाँ से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि हीलियम, आर्गन और थोरियम के आविष्कारक कौन थे, बताइए। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हीलियम के जो आविष्कारक थे वो है आपका लोकयर, और आर्गन के हैं आपका रैमजे, थोरियम का है आपका बर्जीलियस, है ना। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है, और ऊपर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि घास तथा पत्ते में पाया जाता है, घास तथा पत्ते में क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि महो मापनी यानी कि महो स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है। दोस्तों, महो स्केल का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है, तो धातुओं की कठोरता को मापने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। महो स्केल का प्रयोग धातु की कठोरता मापा जाता है। नेक्स्ट है कि लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो लोहा का निष्कर्षण जो होता है वो इसका अयस्क जो है हेमेटाइट से किया जाता है, ठीक है। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट आपका। नेक्स्ट सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भोपाल गैस कांड। जी हाँ, भोपाल गैस कांड कब हुआ था, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, 3 दिसंबर 1984 को, और ये कहाँ हुआ था, तो भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश की राजधानी, कहाँ है, भोपाल में। और यहाँ पर जो एक गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु चली गई थी, इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ज़्यादा करके, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ से लीक किया था, ठीक है, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। और एक चीज़ पूछा जाता है कि कंपनी यानी कि वो कौन सी कंपनी थी जिसमें ये गैस का रिसाव हुआ था, तो वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। दोस्तों याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी में ही ये रिसाव हुआ था, ठीक है, जिसमें 15,000 लोगों की मृत्यु चली गई थी, है ना। 15,000 तो ये आपको सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे जान चली गई थी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि गन पाउडर, जी हाँ, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, बताइए। तो क्या होगा आपका, सल्फर, चारकोल और सोरा का ये मिश्रण होता है गन पाउडर, ठीक है। किसका होता है, सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, LPG गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। जी हाँ, जो आप घर में LPG यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे वो गंध करता है और आपको पता चल जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है, जिसके वजह से वो गंध देता है और पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है, ठीक है। ये सल्फर के यौगिक होते हैं, ठीक है, तो मिथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है आपका, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, और सबसे उत्तम जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, और एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा नहीं के बराबर होती है, यानी कि इसमें 96% कार्बन होता है, मतलब कि ये पूरा शुद्ध होता है। अगर इसको जलाया जाएगा तो कार्बन नहीं निकलेगा, मतलब धुआं का मात्रा इसमें बहुत कम निकलेगा इसमें, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का कोयला कौन कौन होता है अब याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। एंथ्रासाइट,
बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। सबसे खराब कोयला होता है आपका पीट कोयला, है ना, जो सबसे निम्न श्रेणी का होता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला के बारे में बहुत बार पूछा गया है, लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट कोयला के बारे में कहाँ से ये प्राप्त होता है, तो लिग्नाइट अगर सबसे अधिक प्राप्त होता है तो वो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के खानों से प्राप्त होता है लिग्नाइट कोयला, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है किसमें, तो फोटोग्राफी में, ठीक है। चलिए, तो द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत आसान प्रश्न है, पारा, है ना, यानी कि एच जी जो है दोस्तों ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपके घर में फ्रिज है उसमें ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है, उसमें कौन सी गैस, अमोनिया गैस, ठीक है। नेक्स्ट है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, जी हाँ, जो तंबाकू लोग खाते हैं और इससे क्या होता है, कैंसर होता है, तो ये इसमें निकोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, निकोटीन। और अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में क्या पाया जाता है बताइए, तो चाय भी नहीं पीना चाहिए लेकिन पीते हैं, बिना चाय के तो काम ही नहीं चलेगा, चाय में आपको थीन पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसी में कैफीन भी पाया जाता है, ठीक है। कैफीन ऐसे मुख्य रूप से कॉफ़ी में पाया जाता है ना, कॉफ़ी में कैफीन मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन चाय में भी थोड़ी मात्रा में कैफीन होती है और इसमें टैनिन की भी मात्रा होती है, ठीक है, टैनिन भी इसमें पाया जाता है। तो चाय में थीन होता है और कैफीन होता है और कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि फूलों का रंग उड़ा देती है, जी हाँ, फूलों का रंग कौन उड़ा देती है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस से जो फूल का रंग होता है, कलर होता है, वो उड़ जाता है। अगला सवाल है कि लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो लोहा को इस्पात बनाया जाता है और उसमें मिलाया जाता है आपका निकल, है ना, निकिल उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है बताइए, तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो क्या होगा, नाइक्रोम जो मिश्र धातु है ये क्रोमियम हो जाएगा और निकल हो जाएगा और लोहा हो जाएगा, इसी का मिश्र धातु है नाइक्रोम, ठीक है, क्रोमियम, निकल और लोहा का मिश्र धातु है। अब है कि हड्डी और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है, देखिए हड्डियों और दांतों में, है ना, कैल्शियम और फास्फोरस, अगर आपके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी है तो हड्डी और दांत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो याद रखिएगा हड्डी में कैल्शियम और दांत के लिए फास्फोरस। नेक्स्ट है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा कण है वो है आपका परमाणु, है ना, तो आपको पता ही है ये हो जाएगा परमाणु। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, फल को पकाने में जैसे कि आम है, पपीता है, है ना, तो इसको पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट सवाल है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, खाद्य पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है, कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है, आभूषण बनाने के लिए या तो 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था, किसने किया था गोबर गैस संयंत्र का निर्माण, तो ये किया गया था सीवी देसाई के द्वारा, किसके द्वारा, सीवी देसाई के द्वारा। आदर्श गैस का समीकरण कौन सा है बताइए, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बताइए आदर्श गैस का समीकरण ये होता है PV = nRT, जी हाँ PV = nRT। कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है दोस्तों, कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि से, है ना, ऊर्ध्वपातन विधि, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी देखिए 67th BPSC एग्जाम का डेट जो है आज फिर से चेंज हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 67th BPSC का जो एग्ज़ाम का जो डेट हो गया है वो 30 सितंबर हो गया है, है ना, पहले ये एग्ज़ाम होने वाला था 21 सितंबर को, लेकिन ये डेट बढ़ करके अब कितना चल गया है, 30 सितंबर चला गया है, ठीक है, तो ये सरकार मतलब कि, है ना, डेली डेटे बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब 30 सितंबर को देखते हैं, हमें लग रहा है 30 सितंबर को भी बढ़ने वाला है, क्योंकि 30 सितंबर को क्या होगा आपका, दशहरा आ जाएगा
और दशहरा के समय अब एग्ज़ाम लीजिएगा, कैसे एग्ज़ाम लीजिएगा, उस समय भी समस्या उत्पन्न होगी। अब देखिए क्या होता है। अगला है दोस्तों, कपूर को कैसे शुद्ध करेंगे, तो उद्गारोत्पादन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है ना, तो यूरिया में नाइट्रोजन की, यूरिया जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% की होती है। अब यूरिया जो खाद का बोरा आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है 46% नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा रहता है, बताइए, तो यूरेनियम 238 में, है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला है कि तांबा का निष्कर्षण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है तांबा का निष्कर्षण, तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है तांबा का निष्कर्षण, ठीक है, कॉपर पाइराइट से। नेक्स्ट है कि चश्मे का लेंस बना होता है, जो आप चश्मा पहनते हैं उसका जो लेंस है वो किस चीज़ का बना होता है, तो क्रूक्स कांच का बनता है वो, ठीक है, याद रखिएगा ये भी सवाल आ चुका है, क्रूक्स कांच का वो बना होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, है ना, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फिटकरी एवं सोरा में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों कि कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम, तो क्या हो जाएगा, कार्बामाइड हो जाएगा और CO HN2O2, है ना, CO HN2O2 इसका सूत्र होता है, तो याद रखिएगा यूरिया का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है कि लाल सिंदूर, जी हाँ, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो लेड पर ऑक्साइड, क्या है, लेड पर ऑक्साइड, लेड यानी कि Pb और पर ऑक्साइड O4, है ना, Pb3O4 इसका सूत्र होता है, ठीक है, Pb3O4। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, बताइए रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे जेम्स हैरिसन, है ना, कौन किए थे इसका आविष्कार, तो जेम्स हैरिसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला है कि क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी, जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्वांटम सिद्धांत की खोज तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मैक्स प्लांक के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, बताइए फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुँचा रहा है। अगला है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, बताइए हवा का वाष्प घनत्व, ये भी सवाल आ चुका है, तो 14.4 होता है वाष्प घनत्व। RDX, जी हाँ, RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए RDX का फुल फॉर्म, तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, है ना, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। अगला है कि पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वन कौन सा है, पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा रेनिन, है ना, रेनिन हो जाएगा पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वन। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है, ये भी पूछा गया सवाल है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, ये भी पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो है आपका सोना, है ना, क्या है, सोना है। नेक्स्ट है कि गोताखोर लोग, जी हाँ, जो गोताखोर लोग होते हैं वो सांस लेने के लिए जो उसके कंधे पर जो सिलेंडर लदा हुआ रहता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है दोस्तों, तो उसमें ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण होता है, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि गोताखोर जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हरा कशिश है, क्या है, हरा कशिश। नेक्स्ट है कि टेप रिकॉर्डर की टेप जो होती है वो लेपित रहती है ना, टेप रिकॉर्डर की जो टेप है उसके ऊपर लेपित रहता है, किस चीज़ का लेप रहता है, तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण का उस पर लेप रहता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट है कि लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस, जी हाँ, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, तो लाल का हो गया P2 और श्वेत का हो गया P4, है ना, लाल का P2 और श्वेत का P4।
अगला है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है यूरिया, है ना। क्या बनाया गया था सबसे पहले प्रयोगशाला में, तो वो है आपका यूरिया। परम शून्य ताप का मान, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसके नीचे मतलब कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जी हाँ, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, तो SO2 और NO2, याद रखिएगा SO2 और NO2, यहाँ से आपको फंसाने के लिए भी पूछा जाता है, है ना, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों आपको, दोनों में से एक भी ऑप्शन में दे सकता है या दोनों दे सकता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा, जी हाँ, आज के ज़माने में कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है, तो नन स्टिक जो बर्तन होता है इसके ऊपरी परत बना होता है टेफ्लॉन का, किस चीज़ का, टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है कि लैंपों तथा ट्यूबों में क्या भरी जाती है, तो लैंप तथा ट्यूब में नियॉन गैस भरी जाती है, कौन सी गैस, तो नियॉन गैस इसमें भरी जाती है, ट्यूब जो होता है और लैंप जो होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है जो चांदी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस किस चीज़ का, सल्फर का, लगभग सवाल जो है दोस्तों पूछा गया है, और यही सवाल बार बार रिपीट होते रहता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये साइंस का जो क्वेश्चन है ना उसके लिए रामबाण है ये आपका, ठीक है, रामबाण है ये आपका सवाल, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट सवाल है आपका कि लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है, तो लोहा कैसे जंग लग जाता है, आप खुला में छोड़ देते हैं तो लोहा में जंग लग जाता है, उसमें ऑक्सीजन और नमी के वजह से उसमें क्या लगता है, तो जंग लग जाता है, और उसका वजन क्या हो जाता है जंग लगने के बाद, तो वो भारी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र बनाने में प्रयोग होता है, तो इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है, है ना, एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है सुगंधित इत्र बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट है कि फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसको रखा जाता है, देखिए फास्फोरस जो होता है ना, ये सफ़ेद फास्फोरस जो होता है ये बहुत प्रतिक्रियाशील अधातु है ना, ये धातु नहीं अधातु है, और ये हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, ये जल उठता है, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, तो इसको जल में रखा जाता है, ठीक है, और यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, है ना, केमिस्ट्री आपका लगभग यहाँ से समाप्त हो गया, अब हम देखेंगे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक, जी हाँ, चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो है हिप्पोक्रेट्स, जी हाँ, कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस, कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है, है ना। जनक भी आपको एक, आपको जनक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, चाहे वो आपको ज्योग्राफी का पूछ लिया जाए, ज्योग्राफी के पिता कौन है, भूगोल के पिता, या फिर इतिहास का पिता, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा जरूर से जरूर। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे, और ट्रीबेरनस ये जर्मनी के थे, 1801 ईस्वी में इसका प्रयोग किए थे आपको, ठीक है, ट्रेबिनेरस, है ना, ट्रेबिनेरस थे जर्मनी के, और लैमार्क थे फ्रांस के, 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इंसुलिन की खोज
बैंटिक एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, 1921 में किया गया था आपको इंसुलिन की खोज, किसके द्वारा, तो बैंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रुधिर में यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है कि विटामिन की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया बहुत बार विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन की खोज कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 में किया गया था विटामिन की खोज। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, जी हाँ, तो मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है कहाँ, तो यकृत के द्वारा, जी हाँ, यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। नेक्स्ट है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हमारे शरीर के अंदर भी तो रक्त है, जैसे ही कटता है तो बाहर निकलता है तो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, तो हीपैरिन के वजह से नहीं जमता है, ठीक है। तो शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है, तो हीपैरिन जो है इसको रोकता है जमने से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस के द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जेलियस। नेक्स्ट है कि प्रोटीन जो है ये बना होता है किसका, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। अगला है कि मनुष्य शरीर को आवश्यक होती है, जी हाँ, मनुष्य के शरीर के लिए कितने प्रकार की प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होगी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना है 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। अगला सवाल है कि बच्चों में क्वासियोर्कर तथा मरास्मस की बीमारी होती है, तो बच्चों की ये बीमारी है, ये भी सीधा पूछ लिया जाएगा कि क्वासियोर्कर और मरास्मस की बीमारी किसमें होती है, तो बच्चों में होती है, और ये किसकी कमी से वजह से, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी, तो प्रोटीन की कमी के वजह से। मल में दुर्गंध क्यों होता है, दोस्तों बताइए मल जो होता है इसमें दुर्गंध क्यों देता है, तो इंडोल तथा अस्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के वजह से ये दुर्गंध देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता था। नेक्स्ट है कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो माल्टोज बदलता है, ठीक है, माल्टोज। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, बताइए प्रोटीन का पाचन और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है, ट्रिप्सिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि वसा को पचाने में सहायक होता है ना, वसा जो होता है इसको पचाने में जो सहायक होता है वो लाइपेज होता है, ठीक है, क्या होता है, लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत यानी कि लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बताइए आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर के द्वारा किया गया था क्रोमोसोम का नामकरण। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, जी हाँ, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है आपका त्वचा, जी हाँ, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में, कब किया गया था, 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, याद रखना है तंत्रिका कोशिका। अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा किया गया था, स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा। नेक्स्ट है कि पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है, जी हाँ, तो पित्त का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा, तो यकृत के द्वारा होता है, ठीक है, हमारे शरीर में पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा।
दूध को फाड़ने या थक्का बनाने में कार्य करता है। जी हाँ, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने में किसका कार्य होता है? तो रेनिन का ये कार्य है। किसका? तो रेनिन। लार का पीएच मान कितना होता है? तो कल ही बताए थे आपको लार का पीएच मान, तो 6.67 अम्लीय होता है ये। ठीक है, अम्लीय क्यों है? क्योंकि ये 7 से कम है, है ना। अगर 7 से ज़्यादा रहता तो ये क्या हो जाता? क्षारीय हो जाता। और अगर 7 रहता तो क्या हो जाता? आपका उदासीन हो जाता। तो याद रखिएगा, लार का पीएच मान 6.67, और कहीं कहीं आपको 6.8 भी मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, मतलब इतना ही लगभग, आगे पीछे थोड़ा बहुत इसका ऑप्शन में आपको दे सकता है। अगला है कि मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है दोस्तों, तो 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होता है मनुष्यों का। नेक्स्ट है कि लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन। चलिए अगला सवाल है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो शरीर में पचा हुआ भोजन है इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ होता है इसका अवशोषण? छोटी आंत में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न भी पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पाचन आरंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ तो आपका मुंह से ही हो जाता है ना, जैसे ही आप मुंह में डालते हैं खाना वहीं से प्रारंभ हो जाता है और उसको चबाना आप शुरू करते हैं, तो यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको पता होगा मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। क्या नाम है? होमो सेपियंस। अगला सवाल है कि उत्तकों का अध्ययन, जी हाँ उत्तकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा की जो ऊपरी परत है इसको एपीडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीडर्मिस। अच्छा, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। अगर जोड़ा पूछ लिया जाए तो 23 जोड़ा होता है उसमें। ठीक है, कितने क्रोमोसोम? तो 23 जोड़े होते हैं और संख्या 46। अगला है कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बना होता है, ये किस चीज़ से बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन से। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था। जी हाँ, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बताया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एवं क्रिक। अगला है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण, है ना। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका नहीं, यहाँ कोशिका कर लीजिएगा, तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ, किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों। तो ये रहा आज आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। लगभग 100 से ज़्यादा सवाल हम लोग यहाँ पर देखे और इतना ही सवाल करवाया जा रहा है डेली, क्योंकि ज़्यादा करवा देंगे तो फिर दिमाग से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना। इसको रिवीजन करने में आपको सहूलियत होगा थोड़ा सा। ठीक है, आराम से इसको आधा घंटा में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी पूर्ण होती रहे। ये हमारा जो नंबर है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, और अगर आपको पीछे वाला पीडीएफ चाहिए, है ना, डीएलएड 8वीं यूनिट का आपको मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर भी, है ना। उसके अलावे आपको समान अध्ययन, करेंट अफेयर, साइंस, सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और उसका चार्ज है तो मात्र 351 आपको एक बार पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 18 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है, तो 18 दिसंबर तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम का डेट भी आपकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ तक क्लास चलेगी और पूर्ण तैयारी हो जाएगी। अभी आपके पास बहुत समय है, 3 महीना में 100% रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, डेली 9 बजे से रात में आपको क्लास मिलेगा, लाइव क्लास है, आप यहाँ डेली जुड़िएगा। और इसीलिए रात में रखा गया है क्योंकि दिन में सभी लोगों का स्कूल रहता है ना, तो इसी वजह से रात में ही डेली ये क्लास होती है।
पेमेंट कैसे करना है 351, तो फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, और इसी नंबर पे करना है। और स्क्रीनशॉट जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहीं पर आपको सभी नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी होती है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपके जो भी मित्र हो उनको भी बता दीजिएगा, सीटेट की भी तैयारी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट होता है। और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जाते जाते, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।